योगी राज में यूपी के अमेठी में रूस की मदद से पहले से ही सबसे घातक राइफल AK-203 बन रही है और अब वर्ल्ड वॉर टू में जिस ब्रिटिश कंपनी वेबली स्कॉट के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था वो कंपनी भी यूपी में आ रही है। वेबली स्कॉट अपनी सबसे मशहूर रिवॉल्वर यूपी के हरदोई जिले में बनाने जा रही है जिसकी कीमत 1,60,000 रुपए बताई जा रही है। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया में यूपी ने सबसे बड़ी छलांग लगाते हुए ये प्रोजेक्ट हासिल किया है। फायर आर्म्स बनाने वाली दुनिया की दिग्गज कंपनी वेबली स्कॉट ने इस प्रोजेक्ट के लिए लखनऊ की सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। इसके बाद दोनों मिलकर रिवॉल्वर बनाना शुरू करेंगे। कंपनी नई यूनिट के पहले चरण में 0.32 रिवॉल्वर का निर्माण करेगी। ब्रिटेन की कंपनी की संडीला में बारूद, पिस्तौल, एयरगन और रिवॉल्वर बनाने की भी योजना पर काम कर रही है। वेबली एंड स्कॉट के को ओनर जॉन ब्राइट ने बताया, हम यूपी में लगने वाली नई यूनिट में पिस्तौल, एयरगन, शॉटगन और गोला बारूद का निर्माण करने जा रहे हैं। हमने भारत जैसे विशाल बाजार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत और उत्तर प्रदेश में निवेश करने का निर्णय लिया है। हमने भारतीय बाजार के लिए भारत में फायर आर्म्स और एयरगन के निर्माण के लिए एक नया संयुक्त उद्यम बनाया है। हमें साल 2019 में भारत में हथियार के निर्माण का लाइसेंस मिला है। को ओनर जॉन ब्राइट ने बताया, पहले चरण में 1899 के मार्क 4.32 पिस्तौल के मूल डिजाइन का उपयोग भारतीय बाजार की मांग को पूरा करने के लिए किया जाएगा। भारत में कदम रखने जा रही इसी ब्रिटिश कंपनी वेबली एंड स्कॉट ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एलाइड फोर्स को हथियार उपलब्ध करवाए थे और अब योगी के यूपी में लखटकिया रिवॉल्वर बनाने जा रही है। कंपनी ने हरदोई के सनीला क्षेत्र में जगह भी देख ली है। वेबली भारत में फायर आर्म्स बनाने वाली पहली विदेशी कंपनी है।